प्लीज भरोसा रखो मुझ पर, क्योंकि हर रिश्ते की बुनियाद भरोसे पर ही टिकी होती है। भरोसे की बात आप कर रहे हैं मिस्टर विराट चव्हाण, क्या आप मुझे बताएंगे तब कहा गया था आपका ये भरोसा, जब आपने मुझ पर और मेरे दोस्त अजिंक्य पे शक किया था? और आप तो जानते थे कि अजिंक्य मेरे कॉलेज का फ्रेंड है, फिर भी आपने उसके घर आने पर इतना बड़ा तमाशा किया था। और मैंने तुम्हें उस गलती के लिए हजारों बार माफी भी मांगी थी, तो फिर तुम इस टॉपिक को फिर से क्यों उठा रही हो? सही, मैं सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी जो तुमने किया है वो सही नहीं है। अगर तुम्हारे फोन पर कोई कॉल करता और मैं ऐसा चिल्लाता तो तुम मुझ पे मेरे फोन पर कभी भी आधी रात को किसी लड़के का फोन नहीं आता है, और कभी भी मैं किसी भी लड़की से बात करने के बाद आधी रात को उससे मिलने नहीं चली जाती हूँ। और सबसे बड़ी बात, आज तक किसी ने भी आपको ये नहीं बोला है कि वो सिर्फ मुझसे बात करेंगे, आपसे नहीं। और उससे भी बड़ी बात वह क्या है कि मैं आपसे कभी कुछ छुपाते नहीं हूँ, जिसे आप छुपा रहे मुझसे। तो आप में और मुझ में बहुत फर्क है विराट सर, चाहिए मुझे ना इस बारे में बात ही नहीं करनी है। इतना ही भरोसा था ना मुझ पर? छोड़ी, मेरा हाथ दर्द हो रहा है। दर्द मुझे भी हो रहा है, सही बहुत दर्द हो रहा है। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? तुम्हें कुछ भी ना बताना मेरी मर्जी नहीं है, मेरी मजबूरी है। सही, मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुमसे, प्लीज गलत मत समझो मुझे। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूं जिससे तुम्हें मुझ पर सवाल उठाना पड़े या तुम्हें ऐसा लगने लगे कि मैं बदल गया। बदल तो आप गए हैं, और अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे मैं आपको जानती ही नहीं। मैं समझता हूं तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, मैं जानता हूं तुम ऐसा क्यों महसूस कर रही हो। और पिछले कुछ दिनों से तुम्हें यह भी लग रहा होगा कि मेरा बर्ताव कितना अजीब है। पहले मुझे लगता था कि आपका बर्ताव अजीब है, लेकिन अब आपका बर्ताव मुझे तकलीफ देता है, मुझे गुस्सा दिलाता है। और आपको पता है उससे भी बुरी बात क्या है? ये कि आपको इस सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपकी कतनी और आपकी करनी में कोई मेल ही नहीं है विराट सर। प्लीज मेरे हालात समझने की कोशिश करो, मैं अभी बहुत मुश्किलों का सामना कर रहा हूं, लेकिन तुमसे वादा करता हूं मैं, जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, सही वक्त आएगा, मैं तुम्हें सबसे पहले सब कुछ बता दूंगा। इस घर के बाहर मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिन्हें मुझे पूरी करनी है। किसी से वादा किया है मैंने सही, जो हर हाल में मुझे निभाना है। वादा?
आपने किससे वादा किया है जो आपके लिए हमारे रिश्ते से भी ज्यादा जरूरी है? तुमने अभी कहा था ना कि तुम्हें अब ऐसा लगने लगा जैसे तुम मुझे जानती ही नहीं, लेकिन इतना तो जानती हो ना कि मैं अपनी जबान का पक्का हूं। अगर मैंने किसी से वादा किया है तो मैं निभाता जरूर हूं उसे। क्या आपके वादे ने आपको किसी मुसीबत में फंसा दिया है फिराज सर? मैं अपने वादे के लिए कानून के खिलाफ जा रहा हूं, अपने फर्ज, अपने डिपार्टमेंट के खिलाफ जा रहा हूं। मैं श्रुति और उसके होने वाले बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर पुलिस को उनकी खबर लग गई तो वो श्रुति को अरेस्ट कर लेंगे, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं वहां हर तरफ आग ही आग है, जिसकी चिंगारियां मैं तुम पे नहीं आने दूंगा। सही, बताइए ना, आप किसी मुसीबत में तो नहीं है ना? जब कोई काम सबसे छुपा कर करना हो, जब वो बात अब किसी से शेयर ना कर पाओ, किसी से भी शेयर ना कर पाओ, तो मुसीबत तो होनी है। आप किसी प्रॉब्लम में, और मुझे उस प्रॉब्लम के बारे में कुछ पता भी नहीं। मुझे तो ये सोच के ही डर लग रहा है। तुम्हें मेरे लिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैं मुसीबत में हूं, शायद मेरी नौकरी भी चली जाए, पर सही, अभी फिलहाल मैं अपनी नौकरी या अपने बारे में नहीं सोच रहा हूं। मैं सिर्फ अपनों के बारे में सोच रहा हूं। मैं किसी भी हाल में तुम पर या घर वालों पर कोई मुसीबत नहीं आने देना चाहता। तुम सबकी सेफ्टी मेरी प्रायोरिटी है, लेकिन मेरा यकीन मानो, एक बार सब ठीक हो जाए, सही वक्त आ जाए, मैं तुम्हें सबसे पहले सब कुछ बता दूंगा। हो सकता है कि तब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत भी पड़े। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अगर कभी भी आपको मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी तो आप हमेशा मुझे अपने साथ खड़ा पाएंगे। अभी आपने खुद कहा ना कि आपको बाद में मेरी हेल्प की जरूरत पड़ सकती है, तो फिर आप इंतजार किस वक्त का कर रहे हैं? सही वक्त का। प्लीज मुझ पर भरोसा करो। थैंक यू मोदक, अब बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सही, यही वाला चाहिए था ना? ठीक है, अब मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूंगी। अब मैं उस सही वक्त का इंतजार करूंगी जब आप मुझे खुद सब कुछ बताएंगे। ठीक है, और मैंने इतने गुस्से में इतना सब कुछ कह दिया, उसके लिए आई एम सॉरी। Not needed. तुम मेरे हालात समझने की कोशिश कर रही हो, यही बहुत है मेरे लिए। थैंक यू।
आज का सेलिब्रेशन जो मैंने प्लान किया था कुछ ज्यादा ही ऑफ बीट चला गया। कोई बात नहीं, कल तुम्हारे कॉलेज का फेलिसिटेशन फंक्शन, आई एम श्योर वो बहुत अच्छा होगा। आप आएंगे कल मेरे फंक्शन में? ये भी कोई पूछने की बात है? मेरे लिए इतने गर्व की बात है ये। मैं 100% आऊंगा और मैं जल्द ही तुम डॉक्टर बन जाओगे। उस दिन मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान होऊंगा। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ कि आपकी बातों पर यकीन करूं या एक्शंस पर। सिर्फ मुझ पर। और कल के फंक्शन के लिए शॉपिंग कहाँ करनी है उसके बारे में भी सोच सकती हो। शॉपिंग? हाँ, कल का इवेंट इतना स्पेशल है, इतना बड़ा है, नए कपड़े तो चाहिए होंगे। लेकिन कपड़े तो मेरे पास बहुत हैं और शॉपिंग में वक्त भी कितना लगता है। हाँ, तुम्हें कितना बड़ा बिजनेस संभालना जो है। जानता हूँ तुम्हारे पास बहुत सारे कपड़े हैं, लेकिन कल के दिन तुम मेरी पसंद के कपड़े पहनोगी। और हाँ, हम सुबह सुबह शॉपिंग के लिए जाएंगे ताकि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम होगा तैयार होने के लिए। ये ऐसे ही मुस्कुराती रहना हमेशा। अब जाओ, फ्रेश हो जाओ, फिर नीचे चलते हैं और सबके साथ खाना खाते हैं। ओके? इतनी देर फेंकने पे अभी भी चल रहा है? हेलो। हेलो विराट। आई एम सॉरी उस वक्त मैं तुमसे बात नहीं कर पाया, बताओ। सॉरी मैं तुम्हें ऐसे फोन कर रही हूँ, लेकिन अगर उस वक्त तुम्हारी वाइफ ने मेरी तुम्हारी बात करा दी होती तो अभी फोन करने की जरूरत नहीं पड़ती। विराट, मुझे लेबर पेन शुरू हो गया है और नर्स बोल रही थी कि मेरा कभी भी वाटर ब्रेक हो जाएगा। तुम प्लीज कल टाइम से हॉस्पिटल आ जाना। तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे बच्चे के खाते मेरे पास मौजूद रहोगे। मैं रहूंगा, डोंट वरी। मुझे इतना बता दो कि तुम फिलहाल ठीक हो या नहीं। अगर नहीं हो तो मैं ठीक हूँ। तुम बस कल वक्त पे आ जाना, मैं नहीं चाहती हूँ कि और कोई मुसीबत आए। ठीक है, तुमने अभी खाना खा लिया कि नहीं? तुम्हारी मेडिसिन, तबीयत सब ठीक है? गुड, अपना ध्यान रखना। ओके। मुझे किसी भी तरह सई को मना के रखना होगा, लेकिन वो ज्यादा दिन तक चुप नहीं रहेगी। मामले की तय तक पहुंचने की कोशिश करेगी। आई होप सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए ताकि मैं खुद सही को सब कुछ बता सकूं। नर्स, सब ठीक तो है? ये इतनी कमजोर क्यों लग रही है? डोंट वरी, ऐसे सिचुएशन में ये सब होना नॉर्मल सी बात है। मैं मरने वाली। क्या? मुझे नहीं लगता कि सांस के आने तक मैं जिंदा बचूंगी। एक बात बताओ, क्या मैं तुम्हें उस जंगल से इसीलिए निकाल कर लाया था? तुम्हारे लोगों से तुम्हें इसीलिए बचा कर लाया था ताकि तुम्हारे मुंह से मैं ये सुनूं? अपने बच्चे के लिए तुमने कितना कुछ झेला है, हमारे इतना कुछ करने के बाद तुम्हारा इस तरह से हार मान लेना तुम्हें ठीक लगता है? मेरे लिए ये सब बहुत मुश्किल है विराट। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी वीरान हुई और
तुम ही हो जिसकी वजह से आज मैं जिंदा हूं। लेकिन मैं मेरी वजह से तुम्हें और मुसीबत में नहीं डाल सकती। हाँ, मैंने तुम्हें यहां फोन करके बुलाया और तुम वहां भी गए, लेकिन किसकी बात पर? मैं तुम्हें इस जिम्मेदारी से आजाद करती हूं और यह फैसला मैंने बहुत सोच समझ के किया है। अच्छा, फैसले की वजह? तुम्हारी बीवी। मतलब? विराट, मैं बेवकूफ नहीं हूं जो इतना भी नहीं समझ पाऊं कि मेरी वजह से तुम्हारी बीवी के बीच में अनबन चल रही है और शायद तुम्हारे परिवार से भी। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कोई भी फैसला लोगे। मैंने कहा ना, मैंने ये फैसला सोच समझ के किया है। कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुम्हारी बीवी को जिम्मेदार नहीं मानती हूँ। उसका मुझसे ऐसे बात करना, उसमें उसकी गलती नहीं है विराट। अगर मैं उसकी जगह होती तो शायद मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करती, और इसीलिए मैं समझ सकती हूं कि मुझे लेकर उसके मन में कैसे ख्याल आ रहे होंगे। वो ये जानने की जिद बार बार क्यों कर रही थी कि मैं कौन हूं। देखो, सबसे पहली बात, मेरी वाइफ ऐसी नहीं है जो किसी भी बात पर इस तरीके से रिएक्ट करेगी। कल हालात अलग थे, कल उसके लिए बहुत स्पेशल दिन था, बहुत खास दिन था। कल उसने और फिर तुम्हारा फोन आ गया था, तो देखो बस इतना समझ लो, अगर उसे सच पता होता तो वो ऐसे रिएक्ट करना तो दूर, वो फोन ही नहीं उठाती। खास दिन? वो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.